Hello friends, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. In this video, we are going to start the chemical reactions of alkene. So the first reaction of alkene is electrophilic addition reaction. और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भी जो पहला रिएक्शन है दैट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन. सो हैलोजिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, अल्कीन में जब भी आप हैलोजन ऐड करोगे सो यू विल गेट विसिनल डायहलाइड. विसिनल डायहलाइड क्या होता है, दो नेबरिंग कार्बन, जैसे कि एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, दोनों नेबरिंग कार्बन है, आजू बाजू वाले कार्बन पे अगर हैलोजन जुड़ा होगा तो उसको विसिनल डायहलाइड बोलते हैं. लाइक दिस, देखो ये विसिनल डायहलाइड है, दिस इज व्हाट विसिनल डायहलाइड. किसी भी कंपाउंड में दो बगल वाले नेबरिंग कार्बन पे हैलोजन जुड़े होंगे उसको आप क्या बोलोगे, विसिनल डायहलाइड. तो अल्कीन में जैसे कि इथीन है, इथीन में आपने हैलोजन ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट CCl4 एंड यू विल गेट विसिनल डायहलाइड. ये आपको क्या मिल गया, विसिनल डायहलाइड मिला. सो एडिशन ऑफ हैलोजन, दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन. इसके पहले मैंने आपको एक चीज बताया, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं. वो क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा. तो ये जो रिएक्शन है दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोलते हैं मैं आपको डिस्कस करूंगा. उसके पहले आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में. मतलब कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए कंडीशंस, कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के कंडीशंस क्या है, लाइक कायरल एटम सिमेट्री. तो कायरल एटम को डिस्कस करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को डिस्कशन करेंगे. सो आप लोग देखो ये जो पार्ट है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि वास्ट टॉपिक है, बड़ा सा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता. लेकिन इस रिएक्शन के लिए और आगे आने वाले अल्कीन और अल्काइन के रिएक्शन के लिए जितना चीज चाहिए रहेगा उतना आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे. लाइक एनांशियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, काइरल एटम, ऑप्टिकली एक्टिव एटम, डी फॉर्म, एल फॉर्म, ये सब चीज डिस्कस करेंगे. बेसिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि इस रिएक्शन के लिए और आगे आने वाले हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन के लिए जरूरत होगा. तो आज हम लोग सबसे पहला बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, then we will start the halogenation reaction. उसको भी डिटेल डिस्कशन करेंगे, so वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. So start करते हैं बच्चों लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी. देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने के पहले कुछ टर्म है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मोनोक्रोमैटिक लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समझ रहे हो, वो सब चीज. अब मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होता है, आपको लाइट पता है, लाइट हमको भी पता है कि भाई लाइट सात कलर से मिलकर बनते हैं विबग्योर. तो जो सात कलर होते हैं सातों कलर का वेवलेंथ अलग है और वो जो सातों कलर का प्लेन है वो हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है. तो हम लोग ने क्या किया, वो सात कलर में से कोई एक कलर का लाइट निकाला, उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हो. मोनो मतलब वन, क्रोम मतलब कलर, क्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर वाला लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ वाला लाइट. देखो आपके पास एक व्हाइट लाइट है, एज यू नो व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर, विबग्योर, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है बच्चे लोग. तो हम लोग कोई भी एक कलर का लाइट ले लेंगे तो उसका वेवलेंथ फिक्स होगा. सो मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो, एक ही टाइप का वेवलेंथ हो, मतलब एक कलर का लाइट. मोनो मतलब वन, क्रोमैटिक मतलब कलर, क्लियर हो गया बच्चे लोग, सो मोनोक्रोमैटिक लाइट. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज लाइट. अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, अब जब मोनोक्रोमैटिक लाइट लिए, देखो मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ, लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ ऑफ सिंगल कलर. एक ही कलर के लाइट को आप लोग क्या बोलते हो, मोनोक्रोमैटिक लाइट. ना अभी मैं बात करूंगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, पीपीएल. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, पीपीएल. सो अभी देखो ये जो है लाइट मोनोक्रोमैटिक लाइट, उसका जो वेव होगा वो हर एक डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर रहा होगा लाइक दिस. देखो ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है
उसका जो वेवलेंथ है बच्चे लोग, वो हर एक प्लेन में देखो वाइब्रेट कर रहा है, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, सो इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहा है, सो इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहा है, और इस प्लेन में भी वाइब्रेट कर रहा है। क्लियर हो गया? लेकिन प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे होते हैं जिसमें जो वेवलेंथ होते हैं दे वाइब्रेट ओनली इन सिंगल प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट वाइब्रेट वाइब्रेट ओनली वेवलेंथ ऑफ लाइट वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन और वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? प्लेन पोलराइज लाइट। देखो दिस इज मोनोक्रोमैटिक। देखो मैंने पहले भी बताया लाइट सात कलर से मिलकर बनता है, जिसमें से एक कलर वाला लाइट मैंने निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल रेड कलर वाला लाइट। बट लेकिन रेड कलर वाले लाइट का जो वेवलेंथ है वो हर एक प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होता है जो सिर्फ, जिसमें वेवलेंथ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। अब देखो ये क्या है बच्चों लोग, निकोल्स प्रिज्म। सो दिस इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ये निकोल्स प्रिज्म। जब मोनोक्रोमैटिक लाइट को आप निकोल्स प्रिज्म से पास करोगे, किससे? निकोल्स प्रिज्म से पास करोगे बच्चे लोग, तो क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो वेवलेंथ सिर्फ सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इधर अगर आप देखोगे तो वेवलेंथ आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन, लेकिन इधर क्या वेवलेंथ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसे लाइट को क्या बोलते हो? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इतना समझ गया ना प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है? अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के एक्टिविटी पे नहीं आया, अभी तक तो हम लोगों ने PPL के बारे में बात किया। अभी जो PPL बनाया ना बच्चे लोग, इसको मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने एक सोल्यूशन ले लिया किसी भी कंपाउंड का, ग्लूकोज का सोल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया पानी के अंदर, ग्लूकोज के अंदर इसको मैंने क्या किया, ग्लूकोज लिया। ध्यान से देखो ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ना बच्चे लोग, दिस इज नथिंग बट लाइट। अभी लाइट क्या हो रहा है? ग्लूकोज से पास हो रहा है, ग्लूकोज से क्या हो रहा है? पास हो रहा है। तो इसमें दो कंडीशन है, या तो वो जो लाइट है वो राइट की तरफ बेंड होगा, देखो राइट में बेंड हो गया कि नहीं बच्चे लोग, राइट में बेंड हो गया, या तो कंडीशन हो सकता है वो लेफ्ट में बेंड हो जाए, देखो सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट लिया, मोनोक्रोमैटिक लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास किया तो वो प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट आर दोज लाइट जिसमें जो वेवलेंथ होते हैं वो सिंगल प्लेन में एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। फिर इस PPL को जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, मैंने ग्लूकोज लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, आप लोग इथाइल क्लोराइड ले सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब एक्वस सॉल्यूशन से पास करोगे, तो अगर लाइट, ये जो लाइट है रोटेट हो गया, देख रहे हो इधर रोटेट हुआ है कि नहीं, या तो राइट में रोटेट होगा या तो लेफ्ट में रोटेट होगा, रोटेट हुआ तो ऐसे कंपाउंड को मैं बोलूंगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नहीं समझे बच्चे लोग क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच रोटेट्स द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये PPL इसमें से जाएगा और रोटेट हो गया, याद, इधर देखो राइट में रोटेट हो गया, इधर देखो लेफ्ट में रोटेट हो गया, दिख रहा है? लेफ्ट में रोटेट हो गया, बात समझ रहे आप लोग? या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। लेकिन अगर PPL का डायरेक्शन रोटेट नहीं होता, ये ऐसे का ऐसा सीधा सीधा पास हो जाता, मतलब दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तब आपको क्या पता चला? आपको पता क्या चला? कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? जब वो PPL के डायरेक्शन को चेंज करेगा, जब वो PPL के डायरेक्शन को चेंज करेगा। अगर वो राइट में घुमा रहा है, देख फॉर एग्जांपल इधर तो मैंने दो अलग अलग कंडीशन लिए, अगर ये बस राइट में घुमाता है, राइट में, तो इस ग्लूकोज को मैं बोलता डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलता? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डी बोलता, या तो मैं इसको दिखाता प्लस साइन से। लेकिन अगर वो लेफ्ट में रोटेट करता तो मैं इसको बोलता लीवो रोटेटरी ग्लूकोज, या तो माइनस साइन से। आप नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, देखो
क्या होता है ना बच्चे लोग, ये पीपीएल समझा, एक ही लाइट है जो कि डिफरेंट सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, इसको जब ग्लूकोज से भेजे तो टर्न हो गया, मतलब रोटेट हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर हो गया? अगर ग्लूकोज इसको राइट में रोटेट कर रहा है, देखो इसको राइट में रोटेट कर रहा है, तो ये कौन सा ग्लूकोज कहलाएगा? डी ग्लूकोज, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, स्मॉल डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन अगर वो लेफ्ट में घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी। तो कोई पूछेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रोटेट पीपीएल इन द राइट, राइट में रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इन द लेफ्ट तो लीवो रोटेटरी कंपाउंड। तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि अगर वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, वो डी है कि एल है, या प्लस है या माइनस है? तो बच्चे लोग ये पता करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता करोगे? एक्सपेरिमेंट्स, और कोई ऑप्शन नहीं है पता करने का। क्लियर हो गया? क्योंकि ये ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। क्लियर हो रहा है? ये प्लस, ये जो प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, आप कैसे लगाओगे? ये आपके हाथ में नहीं है। ये कैसे पता चलता है? कि एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया? पोलरोग्राफी से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर वो लाइट को रोटेट कर रहा है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है, और लाइट को रोटेट नहीं कर रहा मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपको क्वेश्चन आया कि सर हमको अगर मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया आपको पेपर में, बुक में मैंने दिया एक मॉलिक्यूल बना के, मैं पूछा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, आप उसका आंसर कैसे दोगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड समझा, द कंपाउंड ग्लूकोज ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मैं इसको क्यों ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं? बिकॉज ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे रहा है। अगर रोटेट नहीं करता तो मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलता। मतलब एक्सपेरिमेंट से आप पता कर सकते हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो रोटेट करेगा पीपीएल को वो ऑप्टिकली एक्टिव, जो रोटेट नहीं करेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट अगर मैंने पेपर पे आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिया और मैं पूछा ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो कैसे बताओगे? तो वो बताने के लिए हमारे पास आंसर है काइरल एटम। क्या है बच्चे लोग? काइरल एटम। सो काइरल एटम क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके पहले आप इसको प्रॉपरली नोट कर लो। समझा ना बच्चे लोग? ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? कंपाउंड्स विच कैन रोटेट पीपीएल, भले लेफ्ट में रोटेट करे या राइट में पीपीएल, नहीं रोटेट कर रहा है मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हो गया? अब सुनो, अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो मैं ग्लूकोज को बोलूंगा डी ग्लूकोज, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। अगर ये लेफ्ट में रोटेट करता तो मैं इसको बोलता एल ग्लूकोज या तो माइनस ग्लूकोज, लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। बट ये हमको बुक में पता नहीं चलेगा, ये अगर आपको डी और ये वाला एल पहचानना है तो ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। क्लियर हो गया? बट अगर मैंने आपको मॉलिक्यूल बना के दे दिया, जैसे कि मैंने एक मॉलिक्यूल दे दिया लैक्टिक एसिड, क्लियर हो रहा है? मैंने लैक्टिक एसिड दे दिया, मैं पूछूंगा बच्चे लोग ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है, आप कैसे बताओगे? आप बोलोगे सर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, लेकिन बुक में अगर बताना है तो आपके पास आंसर होगा काइरल कार्बन, काइरल सेंटर, काइरल एटम। क्लियर हो गया? काइरल एटम क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, इसको आप प्रॉपरली नोट कर लो। सो बच्चे लोग, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने क्या देखा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल को रोटेट कर सकता है, ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलोगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर राइट में रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है तो लीवो रोटेटरी। ये हम पता कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट से। बट अगर मैंने कोई मॉलिक्यूल आपको बना के दिया, मैंने पूछा भाई ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो उसका आंसर आप दोगे काइरल एटम से। किससे दोगे? काइरल एटम। अब ये काइरल एटम होता क्या है वो समझते हैं बच्चे लोग। काइरल एटम दो कंडीशन होना चाहिए उसको काइरल बनने के लिए। काइरल बनने के लिए उसको दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहला, दैट एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। चौथा, सॉरी दूसरा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। दूसरा जो रीजन है वो क्या है बच्चों? दूसरा रीजन क्या है? ऑल दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम, जिसको आप काइरल बोल रहे हो उसके चार, जिसके वैलेंसी है, ऑल दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम मस्ट बी डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से। बच्चे लोग बात समझ रहे हैं आप लोग? मस्ट बी डिफरेंट, ऑल दी वैलेंसी ऑफ दैट एटम मस्ट बी डिफरेंट। चलो बात समझते हैं इसको कैसे काइरल होता है। जैसे कि
इसको समझो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा ये काइरल एटम है। क्यों ये काइरल है समझते हैं बच्चे लोग? देखो क्या ये sp3 है? यस sp3 है। sp3 कैसे पता करोगे? हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो? हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3 4। 4 प्लस लोन पेयर 0 है तो 4 आया। 4 जब भी आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। यस दिस इज sp3। ये एटम sp3 है। पहला वैलेंस, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड किया। सेकंड कंडीशन, क्या इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप, मतलब चारों वैलेंसी अलग अलग है? यस ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ऐसा एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज है और उसके सारे वैलेंसी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सिंस ऑल दी वैलेंसीज आर डिफरेंट, ऑल दी वैलेंसी आर डिफरेंट, देयरफॉर इट इज ए काइरल एटम। इट इज अ काइरल एटम। बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? एक काइरल एटम हो गया। क्लियर हो गया? जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जिसके चार, जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग है, ऑल दी वैलेंसी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो उसको आप क्या बोलोगे? काइरल एटम बोलोगे। मतलब ये कार्बन है तो काइरल कार्बन, नाइट्रोजन होगा तो काइरल नाइट्रोजन, सल्फर होगा तो काइरल सल्फर। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें काइरल एटम ढूंढ के बताओ। देखो काइरल एटम ढूंढने के लिए क्या होना चाहिए? उसकी ऑल दी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। इधर ये कार्बन को ध्यान से देखो, क्या ये sp3 है? देखना पड़ेगा। इधर देखो, इसने CH3 के साथ बॉन्ड बनाया है, इधर CH2CH3 इथाइल के साथ बॉन्ड बनाया है, इधर आयोडीन के साथ बनाया है, तीन बॉन्ड बनाया, चौथा बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो ये sp3 है। होप आपको ये सब पता होगा बच्चे लोग, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन से जुड़ा हुआ, ये भी कार्बन है ना, मैंने बताया एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। इसने देखो इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड बनाया है तो तीन बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। इसने देखो दो बनाया है तो दो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। इसने एक बनाया है तो तीन बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। मतलब इस कार्बन के साथ इधर मिथाइल जुड़ा हुआ है, इधर इथाइल जुड़ा हुआ है, इधर आयोडीन जुड़ा हुआ है, और चौथा बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। तो चार सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। ऑल दी वैलेंसी आर डिफरेंट, ऑल दी वैलेंसीज आर डिफरेंट, डिफरेंट है वैलेंसी। जब वैलेंसी डिफरेंट होगा तो मतलब बच्चे लोग ये क्या है? काइरल कार्बन है, काइरल एटम है। देयरफॉर इट इज काइरल एटम। और काइरल एटम को किससे डिनोट करते हैं? स्टार से, एस्ट्रिक मार्क से। क्लियर हो गया? तो अगर किसी भी कंपाउंड में, मैं आपको ये कंपाउंड दे देता, मैं पूछता बच्चे लोग ऑप्टिकली क्या एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो आपको क्या ढूंढते? काइरल कार्बन, काइरल एटम ढूंढते। हाँ इसमें काइरल एटम है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आप बुक में देख के पहचान सकते हो। अदरवाइज आपको एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। इधर काइरल कार्बन है, यस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब क्या? अगर इसको मैं पानी में डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन बनाऊंगा तो ये लाइट को रोटेट कर देगा, इसमें से अगर लाइट पास करूंगा तो वो रोटेट हो जाएगा। बात समझे आप लोग की ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होता है? क्लियर हो गया बच्चे लोग? यस दिस इज काइरल, काइरल है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या? अगर इसका सोल्यूशन में से लाइट पास करूंगा तो ये लाइट को रोटेट कर देगा। इज इट देयर एनी डाउट? क्लियर हो गया काइरल कैसे पहचानते? एक और एग्जाम्पल देता हूं काइरल पहचानने के लिए। इसमें बताओ कितने काइरल एटम है, कितने काइरल एटम है? आप पहले इसके पास गए, डबल बॉन्ड बनाया तो sp2 हो गया ना बच्चे लोग। क्या sp2 काइरल होता है क्या? नहीं, डबल बॉन्डेड है तो वो कार्बन कभी काइरल होगा ही नहीं, बिकॉज काइरल के लिए कंडीशन क्या है? इट शुड बी sp3। देखो ना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2, और एक हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा, 3। लोन पेयर तो है नहीं, 0। तो जब वैल्यू 3 आता है, वैल्यू 3 आता है तो sp3। और सिंपल तरीका बच्चे लोग, सारे सिंगल बॉन्ड sp3, एक डबल बॉन्ड sp2, एक ट्रिपल बॉन्ड sp। क्लियर हो गया? तो इधर देखो बच्चे लोग, एक डबल बॉन्ड है तो ये sp2 है, इस कार्बन ने भी, ये वाले कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया, मतलब ये भी sp2 है। सो ये लोग तो कभी काइरल नहीं होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इधर देखो
इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, और उसने दो हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा ना बच्चे लोग, दो किसके साथ बनाया होगा, हाइड्रोजन के साथ। तो अगर देखो इधर अलग वैलेंसी है, इधर अलग है, लेकिन इस कार्बन को ध्यान से देखो, इसने दो सेम ग्रुप है। आपका कंडीशन क्या था कि चारों ग्रुप सेम होने, अलग होने चाहिए, ए बी सी डी चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन दो सेम आ रहा है ना बच्चे लोग, sp3 है, लेकिन वैलेंसी क्या है, डिफरेंट नहीं है, वैलेंसी सेम है, तो ये भी काइरल नहीं हो सकता। अब इसके पास आते हैं, इसके पास इधर एक ब्रोमीन के साथ बनाया, यस sp3 है, हाँ है, एक उसके साथ एक कौन होगा बच्चे लोग, हाइड्रोजन होगा, तीन दिख रहा है, तो चौथा जो नहीं दिखता वो किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है, ये बात पता होना चाहिए। अगर तीन सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, कार्बन का चौथा बॉन्ड नहीं दिख रहा है, मतलब वो हाइड्रोजन के साथ है। क्लियर हो गया? तो देखो एक दो तीन चार, यस दिस इज sp3 है। क्या इसमें देखो एक sp3 है, इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, दूसरा बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, तीसरा बॉन्ड देखो CH2 के साथ बनाया है, दिस इज व्हाट CH2, और चौथा बॉन्ड देखोगे तो ये क्या है बच्चे लोग, एक कार्बन है, तीन बॉन्ड बनाया, मतलब चौथा किसके साथ है, हाइड्रोजन, ये क्या है CH है, बात समझ लो, दिस इज व्हाट CH एंड दिस इज व्हाट CH2, तो एक जगह CH है, एक जगह CH2 है, अलग अलग है, एक जगह ब्रोमीन है और एक जगह हाइड्रोजन है, तो ये भी अलग अलग है, चारों बॉन्ड अलग अलग है, दिख रहा है, ऑल दी फोर वैलेंसीज आर डिफरेंट एंड इट इज sp3, देयरफॉर इट इज काइरल। ये कैसा होगा, काइरल कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन की बात करें तो दिस इज व्हाट काइरल, और काइरल वाले को स्टार से बताते हैं। तो क्लियर हो गया काइरल कैसे पहचानते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, क्या ये काइरल, इसमें से कोई काइरल आइटम है, यस काइरल के लिए कंडीशन क्या होता है बच्चे लोग, sp3 होने चाहिए, हाँ sp3 होना चाहिए, और ऑल दी वैलेंसी मस्ट बी डिफरेंट। इस सल्फर की बात करते हैं, देखो इस कार्बन है तो तीन हाइड्रोजन, मतलब इसका वैलेंसी सेम है, इसको भी ध्यान से देखोगे तो दो डबल बॉन्ड सल्फर के साथ बना, नहीं चलेगा, इसका तो ऑक्सीजन बात ही नहीं कर सकते। इधर देखो आप लोग सल्फर को देखो, क्या ये sp3 है, यस। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, एक दो तीन चार सिग्मा बनाया, दो पाई, पाई को भूल जाओ, चार सिग्मा बनाया ना, यस, और लोन पेयर कितना है, जीरो, चार प्लस जीरो कितना होता है, चार, मतलब ये क्या है sp3, sp3 है बच्चे लोग, क्या है sp3, और sp3 होने के साथ साथ क्या इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है, सारे वैलेंसी, इधर मिथाइल है, इधर OH है, इधर ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑक्सीजन 16 है, ये ऑक्सीजन 18 है, डिफरेंट आइसोटोप्स है बच्चों लोग, तो मतलब डिफरेंट है। अगर इधर मैं कुछ नहीं लिखता, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन क्या है, सेम है, सो सेम वैलेंसी, मतलब नो काइरल, बट इधर मैंने लिखा है 16 और एक जगह लिखा है मैंने 18, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स है, तो ये अलग अलग हो गए, तो डेट मीन्स ये sp3 भी है और वैलेंसी भी डिफरेंट है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, काइरल सल्फर बोलूंगा। बच्चों लोग बात समझ रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइरल सल्फर। बात क्लियर हो रहा है? तो हाउ टू डिटरमाइन काइरल एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, समझा कैसे पता करोगे, इज इट देयर एनी डाउट बच्चे लोग, अगर काइरल है, काइरल एटम है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इज इट देयर एनी डाउट, अदरवाइज आपको कैसा पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से। तो इसको कॉपी कर लो और इसको प्रॉपरली नोट करो बच्चे लोग, रफ करूं, चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, देखो ये काइरल वायरल जो चीज है ना बच्चे लोग, ये कैसा कंसेप्ट है ना, ये पूरा आता है स्टीरियो केमिस्ट्री में। स्टीरियो केमिस्ट्री में मैं आपको इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि हमको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं आपको ये चैप्टर के जितना है उतना बता दूंगा। क्लियर हो रहा बच्चे लोग? लेकिन इसको डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी को, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो एक अलग टॉपिक बनाएंगे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ बच्चे लोग? इसमें ये चैप्टर में जितना दिया उसने इसके जितना पढ़ लेंगे, चैप्टर के हिसाब से आपका एनेंशियोमर्स पता होना चाहिए, रेशमिक मिक्सचर पता होना चाहिए, काइरल कार्बन क्या होता है, काइरल एटम क्या होता है वो पता होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको आप नोट कर लो, नोट करके लिखो, प्रेजेंस ऑफ काइरल एटम, प्रेजेंस ऑफ काइरल एटम इज नॉट ओनली कंडीशन
not only condition for a molecule to be optically active. समझ लो, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज नॉट ओनली कंडीशन, यही कंडीशन नहीं है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा. फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव अलॉन्ग विद कायरल एटम इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. समझ रहे हो, मैं बताता हूं क्या होता है. फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव अलॉन्ग विथ कायरल एटम इट शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री. कोई सिमेट्री नहीं होना चाहिए. सिमेट्री में लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोग शॉर्टकट में POS बोलते हैं. फिर होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एट्सेट्रा. क्लियर हो गया, तो बात समझो. देखो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बच्चे लोग, ये जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ये सब चीज हमको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करना है. क्लियर हो गया. फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि आप लोग फिर क्या सोच लोगे ना कि मॉलिक्यूल में कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया. ऐसा नहीं होता. कायरल होना चाहिए बट उसके साथ साथ ये सब चीज नहीं होने चाहिए. मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होनी चाहिए. बात समझ रहे, इसलिए मैं आपको ये लिखवा दे रहा हूं. बट इसका डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे जब मैं स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में हम लोग इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है. क्लियर हो गया, इसको आप नोट करके लिखो. अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं. मैंने क्या बोला था इसके पहले कि कायरल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, बट ऐसा नहीं होता. कायरल है, चलो ठीक है, कायरल तो होना ही चाहिए. मॉलिक्यूल के पास कायरल एटम होना चाहिए टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. बट अलोंग विद कायरल एटम के साथ साथ इट शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री और अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री. शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री. एग्जाम्पल लेते हैं टार्टरिक एसिड. एग्जाम्पल क्या लेते हैं बच्चे लोग, टार्टरिक एसिड. देखो टार्टरिक एसिड क्या होता है, ये OH, ये OH, ये COOH, ये COOH एंड दिस इज H एंड दिस इज H. अब इस देखो ये क्या कायरल एटम है, कायरल कार्बन पहचानना है. क्या ये कायरल है देखो ध्यान से, ये कायरल होने के लिए sp3 चार कार्बन, अगर चारों सिंगल बॉन्ड बनाए मतलब sp3 है. तो ध्यान से देखो, दिस इज sp3, यस sp3 है. क्या इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक जगह हाइड्रोजन है, एक जगह OH है, एक जगह COOH है और एक जगह पूरा बड़ा सा ग्रुप है, मतलब चारों वैलेंसी अलग है. दैट मींस ये क्या है बच्चे लोग, कायरल एटम है. हुआ कि नहीं, कायरल sp3 है, चारों वैलेंसी डिफरेंट. इसको भी देखो, एक जगह H है, एक जगह OH है, एक जगह COOH है और एक जगह पूरा बड़ा सा ग्रुप है. दिख रहा है इतना बड़ा ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से. एक जगह H जुड़ा हुआ है, एक जगह OH जुड़ा हुआ है, एक जगह COOH और एक जगह बड़ा सा ग्रुप जुड़ा हुआ है. मतलब इसकी भी चारों वैलेंसी अलग है. तो ये भी क्या है बच्चे लोग, कायरल एटम है. तो ये दोनों क्या है ना बच्चे लोग, कायरल कार्बन है. क्या है, टू कायरल कार्बन आपको दिख रहा है, टू कायरल कार्बन. बट मैं इस कंपाउंड को बोलूं सर, आप तो फिर आप लोग बोलोगे बच्चे लोग कि कायरल कार्बन है मतलब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ये लाइट को जब इसमें से लाइट जाएगा तो ये रोटेट कर देगा. बट ऐसा नहीं हुआ. क्यों, चलो समझते हैं क्यों नहीं हुआ ऐसा. देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखो इसका पास क्या है बच्चे लोग, सिमेट्री है. मैंने इधर इसलिए वो लिखवाया, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव अलॉन्ग विद कायरल एटम होना चाहिए, लेकिन उसके पास इट शुड नॉट हैव एनी सिमेट्री लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री नहीं होनी चाहिए इसके पास. देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर किसी मॉलिक्यूल को दो इक्वल प्लेन में कट कर सके तो उसको क्या बोलोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री. देखो अगर मैं इसको इधर से कट करूंगा, जैसा बीचों बीच कट करूं, दिख रहा है बीचों बीच से मैंने कट किया और सोचो मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, क्या ये एकदम ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं बच्चे लोग,
जैसे कि देखो इधर इसको मैं बीच में से कट कर रहा हूं और उठा के मैंने इधर रख दिया, एक दूसरे के ऊपर एकदम से ओवरलैप हो गया। ओवरलैप हो गया मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों लोग, सिमेट्री है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैंने मॉलिक्यूल को इधर से कट किया तो दो इक्वल पार्ट में कटेगा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के, समझो ये आपका मिरर है, देखो हाइड्रोजन के बगल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के सामने OH के सामने OH है, और ये भी दूर है ये भी दूर है। जब मैं इसको उठा के ऐसा रखूंगा इसके ऊपर तो OH के ऊपर OH, H के ऊपर H, COOH के ऊपर COOH पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है बच्चों लोग, सिमेट्री है। और ये कौन सा सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS मतलब क्या होता है बच्चों लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देयरफोर काइरल है बट इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयरफोर दिस टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने क्या बोला बच्चे लोग, काइरल होना चाहिए बट उसके साथ साथ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सिमेट्री था तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको मिजो बोलते हैं, मिजो सब क्यों बोलते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर में, आपके इतना ही दिया हुआ है बच्चे लोग तो इतना समझो। तो अभी तक आपने क्या समझा, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है जो लाइट को रोटेट कर दे, वो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, लेकिन पेपर में कैसा पता चलेगा आपको, कायरल कार्बन से। बट कायरल के साथ साथ क्या होना नहीं चाहिए, कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसमें क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री है बच्चों लोग, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये ऑप्टिकली क्या बन जाता है, इनएक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो क्लियर हुआ, इसको प्रॉपरली नोट करो, इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न एनेंशियोमर्स एंड रेसमिक मिक्सचर। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग ने कायरल एटम के बारे में पढ़ा था और कुछ सिमेट्री के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कायरल एटम होना ही किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बनाता, कायरल एटम तो होना चाहिए उसके साथ साथ उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ये बात डिस्कस किया था हम लोग ने। नाउ वी विल डिस्कस एनेंशियोमर्स, किसके बारे में बात करेंगे, एनेंशियोमर्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है बच्चे लोग एनेंशियोमर्स। इसका पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, आप लोग अब तक नोट करते रहो, देन आई विल एक्सप्लेन। तो ये होता है बच्चे लोग एनांशियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू एन सेम एंगल, समझो सेम एंगल से रोटेट करते हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, बताता हूं समझ, एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज डेफिनेशन। एनांशियोमर्स हैव identical physical properties like क्या क्या बच्चे लोग, melting point, boiling point and melting point, refractive index etc. refractive index, clear हो गया। तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी, एनांशियोमर्स होता क्या, देखो लो आप लोग ने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म 11th स्टैंडर्ड में, आइसोमेरिज्म आर दोस कंपाउंड्स उनका जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होता है, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं और आइसोमर्स बोलते हो। तो जैसे कि मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिया जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्टीरियो फॉर्मूला, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। अभी स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, देखो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, दो कंपाउंड है मेरे पास, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेमिंग सेम है, उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन जो उनके एटम का अरेंजमेंट है
थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द एटम इज डिफरेंट। ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? स्टीरियो आइसोमर्स। तो देखो मैं इधर दो कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे कि इधर लिया मैंने X, इधर लिया मैंने Y, इधर लिया मैंने, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इधर मैंने दूसरा लिया, देखो मैं ये दोनों को क्या बोल दूंगा ना बच्चे लोग, मैं इन दोनों को बोलूंगा ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स है। एनांशियोमर्स होता क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। अभी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम। अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है बच्चे लोग? डिफरेंट होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? ये क्या बोलोगे उसको आप? स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर हो गया? दिस टू आर स्टीरियो आइसोमर्स, यस। बट देखो ना इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है बच्चे लोग? अलग अलग है। क्लियर हो गया? तो इसको आप क्या बोलोगे? स्टीरियो आइसोमर्स बोलोगे। बात समझा? अब ये एनांशियोमर्स क्यों हुआ? क्योंकि उधर मैंने क्या लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे लोग? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज। अब देखो क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर मैंने मिरर इमेज बनाया, मैंने अगर इसका मिरर इमेज बनाया, दिख रहा है? ये मैंने क्या किया, एक मॉलिक्यूल लिया, बीच में मिरर रखा, तो उसका मिरर इमेज बनाया। तो मिरर इमेज कैसे बनाओगे? कार्बन के लिए कार्बन बनाए, ये बगल इधर वाई एकदम मिरर के पास में, तो पास में होगा इक्वल, समझ रहे हो? एक्स ऊपर की तरफ है, डब्ल्यू इधर की तरफ डैश लाइन पे, और इसको क्या बोलते हो? वेज बोलते हो। इसको वेज बोलते हो, जो डार्क लाइन रहता है ना बच्चों लोग, सॉलिड लाइन वेज, और इसको हम लोग डैश बोलते हैं, डैश। वेज का मतलब क्या होता है? ये मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आ रहा है, डैश का मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, और सिंपल लाइन का मतलब क्या होता है? ये मॉलिक्यूल ऑन दी प्लेन है। बताऊंगा वेज एंड डैश, इसके बाद वेज एंड डैश ही पढ़ने वाले हैं, बट अभी समझो ये एनांशियोमर्स क्यों है। ये स्टीरियो आइसोमर्स है, क्लियर हो रहा है? लेकिन इनका जो मिरर इमेज है, इसका जरूर देखो, इसका मैंने क्या लिया? मिरर इमेज लिया, क्लियर हो रहा है? स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। इसको उठा के ये दोनों, ये था मॉलिक्यूल, इसका मिरर इमेज ये बना, इसको उठा के मैंने इधर रखा। अगर इसको उठा के मैं इधर रखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा? इसका कार्बन आ जाएगा। देखो मैं ब्लू वाले से इमेजिन करता हूँ, पहले मैं ब्लैक वाले को बना देता हूँ। ये क्या है? एक्स है इधर, इधर क्या है? वाई है, इधर वेज पे क्या है? जेड है, समझ रहे हो? इधर क्या है बच्चे लोग? डब्ल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना बच्चे लोग, इस वाले को उठा के इसके ऊपर रख रहा हूँ जिसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ। देखो इस कार्बन को इसके ऊपर रखूंगा, ऐसा कार्बन कार्बन ओवरलैप हो जाएगा। चलो इसको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, कार्बन कार्बन ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो Y के ऊपर क्या आ रहा है बच्चे लोग? Z आ रहा है, वेज आ रहा है। बात समझ रहे हो? Z आ रहा है, इधर Z के ऊपर क्या आ रहा है? Y आ रहा है, और W इधर जा रहा है, और इधर क्या आ रहा है? X आ रहा है। तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए? नहीं हुए ना बच्चे लोग। एक दूसरे को सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है? देखो ये होता है सुपर इम्पोज का मतलब, ये एक हाथ है, इसके ऊपर इस हाथ का मिरर इमेज ये है, दिख रहा है? ये हाथ है, दिख रहा है? इसका मिरर इमेज बनाऊंगा तो ऐसा ना, ये उंगली इस तरफ जा रहा है तो ये इससे दूर जा रहा है कि नहीं? अब मैं इसके मिरर इमेज को उठा के अगर मैंने ऐसा रख दिया, ऐसा, दिख रहा है? तो सुपर इम्पोज हो गया बच्चे लोग, हुआ कि नहीं? हो गया ना सुपर इम्पोज। क्या ये वाला मिरर, ये वाला इमेज दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। बात समझ? तो ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोसिबल हुए। बट एक्चुअली मैं क्या करूंगा, मिरर, ये जो इमेज है मिरर इमेज, इसको उठा के ऐसा ही रखूंगा तो क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज का मतलब होता है कवर करना। क्या ये वाले इमेज ने इसको कवर किया क्या? नहीं। देखो ना दिख रहा है दोनों का हिस्सा। तो
तो इसको नॉन सुपर इम्पोजिबल बोलते हैं। अगर ये पूरी तरीके से ढक देता पीछे वाले को तो सुपर इम्पोज, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कवर किया है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बात समझ? तो देखो इसको उठा के मैंने इसके ऊपर रखा तो आपको रिजल्ट दिख गया, नॉन सुपर इम्पोसिबल। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज हो, स्टीरियो आइसोमर्स है बट इनका जो इमेज होगा मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज होगा, मतलब एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे दो कंपाउंड को आप क्या बोलोगे बच्चे लोग? एनांशियोमर बोलोगे। क्या बोलोगे? एनांशियोमर। बात समझ रहे? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एनांशियोमर्स। अब देखो ये भी लाइट को रोटेट कर रहा है, ये भी लाइट को, ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? एनांशियोमर होने के लिए इसको ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ना sp3 है, चारों सिंगल बॉन्ड है, और क्या है बच्चे लोग, चारों वैलेंसी डिफरेंट है, तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऐसे दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर उनका मिरर इमेज एक दूसरे को क्या हो? नॉन सुपर इम्पोसिबल हो। ये ऑप्टिकली एक्टिव था, इसका मिरर इमेज, इसको इसका जो मिरर इमेज बना वो इसको क्या है बच्चे लोग? नॉन सुपर इम्पोसिबल, इसको ढक नहीं पा रहा। तो इस कंपाउंड के और इसके मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे लोग? एनांशियोमर बोलेंगे। क्या बोलोगे? एनांशियोमर। तो ये लाइट को रोटेट करेगा राइट में, ये रोटेट करेगा लेफ्ट में, मतलब ये डेक्स्ट्रो है, ये लीवो है। अब ये डेक्स्ट्रो है कि लीवो, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये डी है और ये क्या है एल, ये स्मॉल डी स्मॉल है, खुद से नहीं बता सकते, उसका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अगर किसी कंपाउंड का स्टीरियो आइसोमर का मिरर इमेज बना जो कि इसको नहीं ढक पा रहा तो वो क्या हो जाएगा? एनांशियोमर हो जाएगा। और एनांशियोमर क्या होते हैं? ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर हो गए। ये लाइट को 60 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये भी 60 डिग्री रोटेट कर रहा है, बट ये राइट में रोटेट कर रहा है और ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है। क्लियर हो गया? एनांशियोमर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? सेम होता है, ये बात याद रखना। अभी एनांशियोमर समझे ना बच्चे लोग? नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज वॉट यू शुड नो। अब हम बात करेंगे रेसमिक मिक्सचर के बारे में। देखो डाइस्टीरियोमर्स भी होता है, बहुत सारा चीज होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, बट मैं इसको जितना चैप्टर में दिया है उतना ही पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। अब हम बात करेंगे किसकी? रेसमिक मिक्सचर के बारे में। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? देखो एनांशियोमर का आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, लैक्टिक एसिड का। ध्यान से देखो ACOOH, ये CH3, ये OH और ये क्या है H। अगर इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, ये मिरर रख दिया तो कार्बन COOH तो ऊपर ही रहेगा, ये CH3 नीचे ही रहेगा, लेकिन ये OH मिरर के बगल में आ जाएगा ना इस तरफ। बात समझ रहे हो? पास, ये क्या है प्लेन मिरर ना, तो इस तरफ का ऑब्जेक्ट पास में होगा और जो पीछे की तरफ जा रहा है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। तो ये अपना डी है और ये क्या है एल है, हो सकता है ये एल हो ये डी हो बच्चे लोग। क्लियर हो गया? वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। डी के जगह पे मैं प्लस बी लिख सकता हूँ और एल के जगह पे माइनस बी लिख सकता हूँ। डी वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। नाउ वी टॉक अबाउट रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इसका भी डेफिनेशन लिखो। व्हेन इक्विमोलार क्वांटिटी ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी इक्विमोलार क्वांटिटी ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंस मिक्स्ड with each other, the resultant compound obtained is optically inactive due to external compensation
एक्सटर्नल कंपनसेशन के वजह से। रेशमिक मिक्सर के लिए हम लोग यूज साइन करते हैं, प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं या तो डीएल का साइन यूज करते हैं। देखो मैंने ना एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर मैंने 5 ग्राम डी लैक्टिक एसिड डाला और 5 ग्राम एल लैक्टिक एसिड डाला। एज यू नो लैक्टिक एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। वाई बच्चे लोग, अगर मैं एक लैक्टिक एसिड की बात कर रहा हूं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्यों है? काइरल है और इसमें कोई सिमेट्री भी नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी बच्चे लोग काइरल है, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो फर्क क्या है? ये राइट को राइट में घुमा रहा है और ये लेफ्ट में घुमा रहा है। राइट में घुमाया, लेफ्ट में घुमाया, ऑप्टिकली एक्टिव है, यस है। तो मैंने क्या किया, 5 ग्राम डी वाले को मिक्स किया और 5 ग्राम एल वाले को। इक्विमोलर क्वांटिटी मतलब सेम क्वांटिटी में जब मैं मिक्स करूंगा तो लाइट जो आएगा, कुछ जो लाइट है 50% लाइट राइट में, 50% लाइट लेफ्ट में, एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, सेम एंगल से रोटेट करेगी। ये दोनों सेम एंगल से लाइट को रोटेट कर रहे हैं, लेकिन एक राइट में रोटेट कर रहे हैं और एक लेफ्ट में, और दोनों के एक्सटर्नल कंपनसेशन के वजह से, क्लियर हो रहा है? एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये राइट में रोटेट कर रहा है और ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, जिसके वजह से वो जो ओवरऑल कंपाउंड होगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि राइट वाला लेफ्ट को कैंसिल कर रहा है और लेफ्ट वाला राइट को कैंसिल कर दे रहा है। तो देखो, व्हेन इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी सब्सटेंट मिक्स विद ईच अदर, द रिजल्टेंट कंपाउंड ऑब्टेन्ड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ऑलवेज रिमेंबर, रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि उसमें इक्विमोलर क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी में आप डी भी मिला रहे हो, सेम क्वांटिटी में एल भी मिला रहे हो, जिसके वजह से जो लाइट का रोटेट होगा 50 राइट में 50 लेफ्ट में, लेकिन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो ओवरऑल जो रिजल्ट होगा क्या होगा, जीरो, दैट मींस ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो आपको पता चला कि एनांशियोमर्स क्या होता है, एनांशियोमर्स और रेसिमिक मिक्सचर, क्लियर हो गया? एनांशियोमर्स क्या होता है, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जिनका नॉन सु एक जो मिरर इमेज होता है वो एक दूसरे को क्या हो, नॉन सुपर इंपोजिबल, क्लियर हो गया? और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, जब दो डेक्स्ट्रो और लीवो को आप इक्विमोलर क्वांटिटी में मिलाते हो तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर, या तो उसको रेसमेंट भी बोलते हैं, साइन जो होता है प्लस माइनस, या तो डीएल करके, क्योंकि इसमें डी भी है और एल भी है सेम क्वांटिटी में। क्लियर हो गया बच्चे लोग? तो इसको नोट कर लो प्रॉपरली। सो गाइज, इन लास्ट स्लाइड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दी ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, उसके लिए कंडीशंस क्या है, एनांशियोमर्स, रेसमिक मिक्सचर, डी एंड एल फॉर्म, हर एक चीज हमने डिस्कस किया। तो अब उस चीज को जो डिस्कस किया उसका रिएक्शन में क्या यूज है उसको समझेंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, अभी हैलोजिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या होता है, अल्कीन में, अल्कीन में जब भी आप हैलोजन को ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कीन में जब भी आप हैलोजन को ऐड करोगे यू विल गेट विसिनल डाइहैलाइड। आपको क्या मिलेगा, विसिनल डाइहैलाइड। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने ले लिया इथीन, ये मैंने लिया इथीन, इथीन लिया, इथीन में मैंने क्या किया, हैलोजन ऐड किया, लाइक क्लोरीन ऐड कर लिया, तो CCl4 क्लोरीन ऐड कर लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड टूटेगा CH2, सिग्मा बॉन्ड CH2, इधर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा। तो नेबरिंग कार्बन एटम पे हैलोजन है, नेबरिंग कार्बन एटम पे हैलोजन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो, दो बार क्लोरीन है तो इसलिए डाइक्लोरो, दो कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, वाइल इसका नाम क्या है, इथीन है। क्लियर हो गया? सो ये रिएक्शन समझा। अब आपके मन में डाउट आता होगा, सर ये आपने क्लोरीन एक नीचे से और एक ऊपर से क्यों ऐड किया? यस, तो इसका आंसर है, ये जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजिनेशन इज नथिंग बट एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन। एंटी का मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन से, एक नीचे से ऐड होगा तो एक ऊपर से। अब ऐसा क्यों हुआ, एंटी क्यों हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन से क्यों नहीं ऐड हुए, वो हम लोग मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। अब मैकेनिज्म में हम लोग एक और चीज सीखेंगे, व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये जो एक रिएक्शन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
जितने भी एडिशन रिएक्शन होते हैं ना, समझ रहे हो, तो एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक भी होता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है। तो हम लोग इधर क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक। ये जो हैलोजिनेशन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। अब इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं और इसमें एंटी एडिशन ही क्यों हुआ, एंटी क्यों हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन से, यानी सिन एडिशन क्यों नहीं हुआ, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। चलो, हमने ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल ले लिया। ब्रोमीन का मॉलिक्यूल मतलब Br2। दो ब्रोमीन के एटम साथ में जुड़े होते हैं ब्रोमीन मॉलिक्यूल में। डायटॉमिक मॉलिक्यूल ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, H2, N2, O2। तो दीज आर द डायटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब दो एटम साथ में जुड़ के एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते। अब क्या होगा ना, ब्रोमीन में क्या होगा ना, ये ब्रेक डाउन होगा, ये जो बॉन्ड है उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जब ब्रेक डाउन होगा, समझ रहे हो, ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा इस ब्रोमीन पे आ गया। हेटरोलाइटिक फ्यूजन, हेटरोलाइटिक ब्रेक डाउन, हेटरोलाइटिक क्लीवेज, जो बॉन्ड है ना हेटरोलाइटिकली टूटेगा। मतलब एक ब्रोमीन के ऊपर पूरा नेगेटिव, ध्यान से देखना, ये ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन आ गया टूट के, तो ये वाले ब्रोमीन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको ब्रोमाइड आयन बोलते हैं, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको ब्रोमाइड आयन बोलोगे। जबकि इसने इलेक्ट्रॉन, हेटरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी के पास चले जाएंगे और किसी के पास कुछ नहीं बचेगा, मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले हैलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोनियम आयन। तो ये ब्रोमीन है तो इसको हम लोग क्या बोलोगे, ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। इज दिस क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। अभी जो ब्रोमोनियम आयन है तो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका जो ऑक्टेट है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो इसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इधर जो ब्रोमोनियम आयन बना है, दिस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफाइल, वाइल द ब्रोमाइड आयन इज नथिंग बट एन न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लवर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो ये फर्स्ट स्टेप होता है। अब सेकेंड देखो, सेकेंड स्टेप में आपको पता चलेगा व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मैंने एक अल्कीन ले लिया, चलो इथिन ले लेते, ये अल्कीन ले लिया और ये ब्रोमोनियम आयन है Br+। कौन है ये, ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन प्लस है मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल तो हो गए, प्लस है मतलब इसके पास एक क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। इज दिस क्लियर? इसके इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं हम लोग, इसके इलेक्ट्रॉन्स है ब्रोमीन के, ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैलोजन है आउटर मोस्ट में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो ऐसा होगा कुछ, आउटर मोस्ट में कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है और एक इसका मिलकर ऑक्टेट, लेकिन ये वाले ब्रोमीन ने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ब्रोमीन के पास सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6 बचा कि नहीं, सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 6। और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, पॉजिटिव है मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब देखो इधर पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा ना, ये देखो कुछ इधर से क्या होगा ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड इधर से ऐसा आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये वाला बॉन्ड टूट के पहले ये बॉन्ड क्या होगा ना, इस कार्बन के पास, चलो देखो ऐसा होगा, ये बॉन्ड पहले टूट के इस कार्बन के पास जाएगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वो ब्रोमोनियम को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, समझ लो, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया क्योंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन कार्बन, ये वाले कार्बन ने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन लेके इधर गया, इससे लिया पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन दिख रहा ना, इधर पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी है और इधर लोन पेयर है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना हाइयर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। इधर ध्यान से देखो, पहले ये पाई टूट के इसके पास गया, इज दिस क्लियर, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। जैसे ही पॉजिटिव आएगा ना, वो जो पॉजिटिव आएगा ना, वो रुकेगा नहीं,
बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, माइक्रो सेकंड के लिए होगा, तुरंत गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुरंत इसको ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे चुका होगा। अगर पॉजिटिव ज्यादा टाइम के लिए रहता तो हम लोग बोलते कि इंटरमीडिएट फॉर्म दिस कार्बोकटायन, बट इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन नहीं बनता, क्योंकि जो पॉजिटिव डेवलप्ड हुआ इस कार्बन के ऊपर तो वो कैसे बहुत ही कम सेकंड के लिए, इज दिस क्लियर? तो कार्बोकटायन इंटरमीडिएट नहीं बनता। अब बोलोगे सर इधर ही क्यों गया, हाँ तो इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था, ऐसी कोई बात नहीं, इधर से भी जा सकता था, तो इधर से जाता था, नेगेटिव इसको देता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको देता। तो कुछ आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन टूट के पाई बॉन्ड टूट के इधर गया था, CH2। फिर इधर ब्रोमीन के साथ देखो बॉन्ड बनेगा, तो पहले ब्रोमीन का ऑक्टेट क्या हो गया था, पूरा हो गया था, ब्रोमीन का ऑक्टेट क्या हो गया था, पूरा हो गया था। लेकिन लेकिन जब ब्रोमीन का ऑक्टेट पूरा हो गया था इसके इलेक्ट्रॉन से मिलके, लेकिन इधर खाली हुआ था तो ब्रोमीन ने इधर भी इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो ऑक्टेट वापस क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, ऑक्टेट वापस क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। जब ऑक्टेट वापस इनकम्प्लीट हो गया, जब ऑक्टेट वापस इनकम्प्लीट हो गया, ऑक्टेट वापस इनकम्प्लीट हो गया तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट साइक्लोब्रोमोनियम आयन, ये क्या, एक साइक्लोब्रोमोनियम आयन, दिस इज व्हाट साइक्लोब्रोमोनियम आयन, एक इंटरमीडिएट बना। अब इसको मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहा हूं, अब ये चीज समझना, इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों बोल रहे हैं, ब्रोमोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल देखो अल्कीन में जाके ऐड हो गया, कुछ सब्स्टिट्यूट हुआ क्या, एडिशन मतलब क्या होता है, कुछ चीज जाके ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूशन में मतलब क्या होता है, कुछ आता है तो कुछ जाता है, अल्केन के रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन वाले होते हैं, हैलोजन आता है तो हाइड्रोजन जाता है, याद आ रहा है हैलोजिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये अल्कीन है, अल्कीन में एडिशन होता है, ये ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन इधर का इधर ही रह जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं, या तो उसके आने से भी कोई नहीं जा रहा, जितना भी आ रहा है बस ऐड होते जा रहा है, कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ गया, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखना, ये जो साइक्लोब्रोमोनियम आयन बना है इसका नाम मैं लिख देता हूं साइक्लोब्रोमोनियम आयन, ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रोमीन कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा थोड़ा थोड़ा, तो जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो रही है, मतलब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहा है, कंप्लीट नहीं पार्शियल डेवलप्ड हो रहा है, अगर कंप्लीट डेवलप्ड होता तो उसको आप कार्बोकटायन बोलते हैं, लेकिन इधर क्या डेवलप्ड हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूलर एंटिटी जिसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो, समझ रहे हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, क्या बोलोगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, दिस इज व्हाट, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। क्या यह बात आप लोगों को समझा, ये क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, क्योंकि इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं, अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता तो उसको आप कार्बोकटायन बोल देते, दिस इज व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन। ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा ना, देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन है साइक्लोब्रोमोनियम आयन, दिस इज व्हाट नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन साइक्लोब्रोमोनियम आयन, पार्शियल पॉजिटिव इसके ऊपर भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरा देखो इधर एक निकला था ना अपने को Br- निकला था कि नहीं, ब्रोमाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल है उसको पॉजिटिव दिखेगा, Br- है उसको पॉजिटिव दिखेगा तो वो इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं, इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं, नेगेटिव को पॉजिटिव पसंद है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डेवलप्ड हो रहा है, इसके पास कंप्लीट नेगेटिव है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डेवलप्ड हो रहा है तो इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी बोलना चाहिए था, नहीं, जो पहले अटैक करता है, जो पहले ऐड होता है उसी के बेसिस पे नाम पड़ता है, कैटेगराइज किया जाता है, पहले कौन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या ये बात आप याद रखोगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी जो ब्रोमाइड आयन है क्या करेगा, देखो ये कार्बन ने देखो कितना बॉन्ड बनाया, दो हाइड्रोजन के साथ तीसरा बॉन्ड चौथा बॉन्ड, चार बॉन्ड बनाया, कितना, चार बॉन्ड बनाया, चार बॉन्ड। जब ये ब्रोमीन आयन ब्रोमाइड आयन इधर से अटैक करेगा तो पांच बॉन्ड बनेगा,
तो ये वाला ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तब ध्यान से देखना, CH2 अपने जगह पे, ये वाला ब्रोमीन घूम के इधर आ गया और वो वाला ब्रोमीन ऊपर हो गया। क्या बात, समझ गया? देखो एंटी एडिशन, समझ रहे, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रोमीन ऐड हुए, इधर दिख रहा है जैसे क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में, वैसे द ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हुए, क्योंकि इधर तो ब्रोमोनियम आयन था तो इधर से तो ब्रोमाइड आयन आ नहीं पाता, क्योंकि इस ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा सा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, तो ये जब ब्रोमाइड आयन आएगा तो इसको रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा, तो वो इधर से आएगा, या तो इधर आता या तो इधर आता। अगर वो ब्रोमाइड आयन इधर आता तो ये ब्रोमाइड आयन इस पे चले जाता। Is this clear to all of you कि कैसे दोनों ब्रोमीन यानी दोनों हैलोजन का जो एडिशन हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन से हुआ, एक नीचे से हुआ तो एक ऊपर से हुआ। तो मैकेनिज्म से आपको समझा कि कैसे रिएक्शन होता है, व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्यों एंटी एडिशन होता है, ये समझा ना आपको, इतना मैंने बता दिया एंटी एडिशन क्या होता है लेकिन क्यों होता है वो समझा। Is this clear? अब ये एंटी एडिशन होने के वजह से स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ा चेंज हो जाता है, वो सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो दिस इज व्हाट मैकेनिज्म। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन जो होता है ना, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन कार्बोकटायन। आप खुद ही सोचो, कार्बोकटायन के बारे में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ा है, कार्बोकटायन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जबकि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, बस पार्शियल पॉजिटिव डेवलप्ड हुआ है, लेकिन अभी भी उसने 4 बॉन्ड बनाया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। तो याद करें, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन कार्बोकटायन बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये आपको मैकेनिज्म ये सब समझा? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इसको आप लोग नोट कर लो, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको आप नोट कर लो फास्ट। सो गाइस, लेट डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। सो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया एक अल्कीन जिसका नाम है सिस ब्यूटुइन। ये सिस है, क्यों सिस है? बिकॉज दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे, अगर अपोजिट साइड पे होते तो ट्रांस, सेम साइड पे है तो सिस। ये सिस है, सिस ब्यूटुइन। सिस कब बोलते हैं? जब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड होते हैं। अब इसमें हम हैलोजिनेशन कर रहे हैं, लाइक ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। अब क्या होगा? आपको मालूम है पहले साइक्लोब्रोमोनियम आयन ये सब बनेगा, वो सब तो मैकेनिज्म का पार्ट है। आपको मैकेनिज्म से याद क्या रखना है कि जो एडिशन होगा वो एंटी एडिशन होगा, मतलब एक ब्रोमीन नीचे से दूसरा ब्रोमीन ऊपर से अटैक करेगा। ट्रिक याद कर ले, ट्रिक क्या है? पाई बॉन्ड को तोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू हेलोजन को जोड़ो, यही ट्रिक है। आजू बाजू हेलोजन को जोड़ो, एक्स मतलब हेलोजन, लेकिन उल्टा जोड़ो। उल्टा का मतलब आजू बाजू हेलोजन को उल्टा जोड़ो, उल्टा मतलब एक नीचे से तो एक ऊपर से। दैट्स इट, दैट्स इट, क्लियर हो गया? देखो कैसे होगा। तो सबसे पहला पाई बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब देखो, एक ब्रोमोनियम आयन, एक जो ब्रोमीन है, इधर से आएगा, दूसरा ब्रोमीन इधर से आएगा, तो एक ब्रोमीन इधर से आएगा, दूसरा ब्रोमीन इधर से आएगा, इतना कर दिए। कैसे करना है ये रिएक्शन को? एक ब्रोमीन इधर से आएगा, एक ब्रोमीन इधर से आएगा, इतना आपको पता है। जब ध्यान से देखना, ये वाला ब्रोमीन जब इधर से आएगा तो वो ब्रोमीन जो आ रहा है और ये मिथाइल में रिपल्शन होगा कि नहीं? वो जो ब्रोमीन आ रहा है और इस मिथाइल में रिपल्शन होगा तो ये मिथाइल थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। जब ये मिथाइल नीचे आए तो ये हाइड्रोजन के लिए भी इधर जगह खाली, तो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। यस, वो ऐसा हो गया, इतना हो गया। फिर जो दूसरा ब्रोमीन जब इधर से आएगा, देखो ये ब्रोमीन इधर से आ रहा है, ये ब्रोमीन आ रहा है, ब्रोमीन आया तो ये हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो फिर हाइड्रोजन जब इसके पास में आ जाएगा, मिथाइल के पास में, तो मिथाइल और हाइड्रोजन में रिपल्शन होगा तो मिथाइल भी इधर आ जाएगा, मतलब इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा, सॉरी ये मिथाइल आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझा कि कैसे हो रहा है रिएक्शन? क्या आपको ये बात समझा कि कैसे हो रहा है रिएक्शन? Is this clear? इधर क्या होगा, ध्यान से देखना, Br2 ऐड किए तो एक ब्रोमीन इधर से आया, तो ये जो हाइड्रोजन था इधर हो गया और मिथाइल इधर हो गया,
इज दिस क्लियर? और जब दूसरा ब्रोमीन इधर से आया तो ब्रोमीन और मिथाइल में रिपल्शन होगा, ये मिथाइल इधर, ये हाइड्रोजन इधर। क्या ये बात आपको समझा? अब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है आप कैसे पता करोगे? दो कंडीशन बताया, एक तो आपको कायरल एटम देखना है और सिमेट्री देखना है। क्या इसमें कोई कायरल एटम है? देखो इस कार्बन, कायरल एटम मतलब चारों वैलेंसी अलग, इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, एक बॉन्ड CH3 और एक बॉन्ड जो बनाया इतने बड़े कंपाउंड के साथ बनाया, मतलब चारों बॉन्ड अलग है, दैट मीन दिस इज कायरल एटम, ये भी कायरल एटम है। क्या इसमें कोई भी सिमेट्री है? सिमेट्री है नहीं है ना। इस मॉलिक्यूल को क्या आप दो इक्वल पार्ट में कट कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। अगर मैंने इधर से ऐसा प्लेन डाला तो CH3 के बगल में CH3 आना चाहिए था, लेकिन BR है, BR के बगल में H है, मतलब इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल भी है मतलब किसी भी टाइप का सिमेट्री नहीं है, एज वेल एज इसमें कायरलिटी भी है मतलब कायरल एटम भी है, सिमेट्री भी नहीं है और कायरल एटम भी है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये मॉलिक्यूल क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर ये डी फॉर्म है तो उसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? एल फॉर्म, मतलब डी प्लस एल फॉर्म मिलेंगे, डी प्लस एल फॉर्म मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इज दिस क्लियर? डी प्लस एल फॉर्म मिलेंगे। चलो अब सेकेंड, ये मैंने ट्रांस अल्कीन ले लिया। क्या ले लिया? ट्रांस अल्कीन। ट्रांस अल्कीन का रिएक्शन भी मैंने ब्रोमीन या तो क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले लो, CCl4 के साथ कराया, कराया तो आपको मालूम है एक ब्रोमीन इधर से, एक ब्रोमीन इधर से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होगा। सबसे पहला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड किए, एक ब्रोमीन इधर से, दूसरा ब्रोमीन इधर से। फिर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब ये ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन देखो इधर से आ रहा है तो ये CH3 में रिपल्शन होगा, वो इधर आ जाएगा, यस। और ये वाला H थोड़ा इधर आ जाएगा, यस। जब ये ब्रोमीन इधर से आ रहा है तो इस ब्रोमीन और CH3 में रिपल्शन होगा तो ये CH3 इधर आ जाएगा, यस। और ये वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ रहा है? क्या ये बात आपको समझ रहा है? यस, समझ रहा है। अब ये मॉलिक्यूल, क्या ये मॉलिक्यूल में कायरल एटम है? यस, है ना, CH3 BRH और ये पूरा, ये दोनों कायरल एटम है। क्या कोई भी सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो ये मॉलिक्यूल का सेंटर वाला पार्ट है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर वाला पार्ट है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर वाला पार्ट है। तो सेंटर से एक ऐसा लाइन लेके जाने का, सेंटर से एक ऐसा लाइन लेके जाने का, उस लाइन के दोनों तरफ सेम ग्रुप है। अगर किसी मॉलिक्यूल के, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर आप लाइन लेके जा रहे हो, मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर आप लाइन लेके जा रहे हो और उस लाइन के दोनों तरफ सेम ग्रुप मिले, उस लाइन के दोनों तरफ सेम ग्रुप मिले, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैंने कंडीशन क्या बताया था? कोई भी सिमेट्री नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेकिन इसमें तो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब इधर से देखो, इधर BR है ना, इधर इधर BR है, देखो ध्यान से, ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, इधर से लाइन लेके जाने पर दोनों तरफ सेंड लाइन के दोनों तरफ सेम ग्रुप मिल रहा है, मतलब इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। कायरल एटम है, कायरल एटम है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कॉस है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, कोई भी सिमेट्री होता है, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये लाइट, इसमें से लाइट जाएगा तो वो रोटेट नहीं होगा, लेकिन इसमें से लाइट जाएगा तो वो रोटेट हो जाएगा, लाइट जाएगा तो वो रोटेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपको कंक्लूजन क्या मिला? इसमें एक और चीज है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। जब भी सीन में आप एंटी एडिशन करते हो ना, सीन में एंटी एडिशन करते हो तो आपको थ्रियो कंपाउंड मिलता है। अब थ्रियो कंपाउंड क्या होता है, एरिथ्रो कंपाउंड क्या होता है, वो थोड़ा सा समझते हैं, जस्ट उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इधर आपको एरिथ्रो, देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, मेन चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 1 2 3 4, इसमें से 2 क्या है? मिथाइल है। इसमें से 2 क्या है? मिथाइल है। ट्रांस में जब भी आप ऐड करोगे ना तो आपको एरिथ्रो कंपाउंड मिलेगा। कौन सा कंपाउंड मिलेगा? एरिथ्रो कंपाउंड मिलेगा, जबकि उसमें आपको थ्रियो कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? थ्रियो कंपाउंड। अब ये ऐसा कैसे बना?
आपको याद रखने के लिए बस इधर एरिथ्रो कंपाउंड मिलेगा, इधर कैसा मिलेगा, थ्रियो कंपाउंड मिलेगा, याद करने के लिए, समझ रहे हो, इधर क्या मिलेगा, एरिथ्रो कंपाउंड। अब इसको एरिथ्रो क्यों बोलते हैं, एरिथ्रो का एक कंडीशन है, अगर देखो ये सेम सेम ग्रुप है, एक ही साइड पे है ना, दोनों ब्रोमीन एक साइड पे, दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, दोनों ब्रोमीन एक साइड पे, दोनों हाइड्रोजन एक साइड पे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरिथ्रो बोलते हैं। इसमें देखो थ्रियो मिलेगा, थ्रियो में कैसा होता है ना, पहले चार कार्बन है ना, एक दो तीन चार, तो चार कार्बन का बड़ा सा चेन बना लो, थ्रियो में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों ब्रोमीन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये थ्रियो कंपाउंड है, ये इधर से इधर मिला थ्रियो। क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको एरिथ्रो फॉर्म में बनाया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, क्लियर हो रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको जस्ट याद रखना है कि ट्रांस वाले में हैलोजिनेशन करोगे, ट्रांस वाले में हैलोजिनेशन करोगे, सो यू विल गेट एरिथ्रो कंपाउंड, मतलब दोनों ब्रोमीन कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए, या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, नहीं तो आप इतना भी कर सकते हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो आपको दिख रहा है ना, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें एरिथ्रो मिलता है, उसमें क्या मिलता है, थ्रियो मिलता है। तो आप याद कैसे करोगे, देखो पहले सिस वाला है, सिस वाले में एंटी एडिशन होता है, सिस हो या ट्रांस हो, दोनों में एंटी एडिशन हो रहा है, हैलोजिनेशन में एंटी एडिशन होता है, मैकेनिज्म में देखा था, एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा तो आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, थ्रियो कंपाउंड मिलेगा, थ्रियो मिलेगा, थ्रियो कैसा होता है, जिसमें दोनों ब्रोमीन को आपको अलग अलग डायरेक्शन में दिखाना है, या तो थ्रियो बस याद कर लो, थ्रियो कंपाउंड मिलेगा जिसमें दोनों ग्रुप, जैसे कि अगर ब्रोमीन की जगह पे मैं OH लिखता तो दोनों OH क्या होते, अलग अलग डायरेक्शन में होते, क्लियर हो गया, और जबकि इसमें दोनों OH सेम डायरेक्शन में होते, तो ये बात याद रखना, थ्रियो कंपाउंड क्या होता है, थ्रियो कंपाउंड याद रखने के साथ साथ वो भी याद रखना, इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया, डी प्लस एल फॉर्म मिलेगा, थ्रियो एरिथ्रो समझा ना। लेकिन भाई अगर ट्रांस में, ट्रांस में हम एंटी एडिशन करते हैं, एंटी एडिशन करते हैं हैलोजन का, तो आपको एरिथ्रो कंपाउंड मिलता है, एरिथ्रो कंपाउंड क्या होता है ना, चलो एरिथ्रो कंपाउंड जिसमें दो ब्रोमीन ग्रुप सेम साइड है, क्लियर हो गया, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इधर से इधर कैसा हुआ वो हम लोग कभी डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, एरिथ्रो और थ्रियो स्ट्रक्चर के बारे में वो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस किया जाता है, बस अभी के लिए आप याद रख लो, क्योंकि ट्रांस में एंटा एडिशन करोगे तो एरिथ्रो, सिस में एंटा एडिशन करोगे तो थ्रियो, थ्रियो वाले क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, एरिथ्रो वाले ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, बिकॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर से देखा था हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री भी दिखा, एरिथ्रो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है, तो जब ऐसा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो ये जो चीज मैंने लिखवाया ना, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ये पता होना चाहिए, समझ रहे हो, जो अब ऐसा पूछ लेगा जैसे कि मैंने कंपाउंड दे दिया इसका ब्रोमिनेशन, द मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, आपको मालूम है सिस में ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो ऑप्टिकली एक्टिव मिलता है, थ्रियो कंपाउंड मिलता है, ट्रांस में एंटा एडिशन करोगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे होता है तो इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, ये ट्रांस अल्कीन है, समझ लो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, वो दिख रहा नहीं है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसमें हम लोग क्लोरीनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। एज यू नो ट्रांस में जब भी आप क्लोरीनेशन करोगे, ब्रोमीनेशन करोगे, हैलोजिनेशन करोगे, एंटी एडिशन है, तो ट्रांस में एंटी एडिशन करते हो तो आपको थ्रियो कंपाउंड मिलता है, थ्रियो मिलता है नहीं, एरिथ्रो मिलता है, देखो गलती हो सकती है कि नहीं, एरिथ्रो मिलता है, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो एरिथ्रो मिलेगा, ट्रांस में एंटा एडिशन करोगे तो एरिथ्रो मिलेगा। अब एरिथ्रो स्ट्रक्चर बनाते कैसे, अब एरिथ्रो स्ट्रक्चर बनाते कैसे, देखो कितने कार्बन एटम है, एक इथाइल है, ईटी मतलब इथाइल, ये क्या है, इथाइल ग्रुप है, एमई का मतलब मिथाइल होता है, इथाइल इथाइल, और इधर कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो ऐसा एक में इथाइल लिख सकता हूं, यस, फिर कितने कार्बन है, एक दो, तो देखो जहां भी कट होता है ये कार्बन है ना, एंड है तो कार्बन, बेंड है तो कार्बन, ये भी क्या है, कार्बन है, और इधर क्या है, इथाइल है, ऐसा हो गया।
एरिथ्रो कंपाउंड मिलेगा ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो एरिथ्रो कंपाउंड में जब ये क्लोरीन ऐड करोगे तो दोनों क्लोरीन क्या होगे सेम साइड पे होगे तो इधर क्या होगा एच होगा एच इधर दिख रहा नहीं है लेकिन इधर एच है ना आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो ट्रांस में जब भी एंटी एडिशन करते हो तो आपको एरिथ्रो मिलता है एरिथ्रो में क्या होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सो यू कैन सी दैट देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसलिए क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब इसमें से लाइट को पास करोगे तो लाइट रोटेट होने वाला नहीं है चलो एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसमें ब्रोमिनेशन करेंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्या होगा आंसर देखो एक ब्रोमीन इधर से ऐड हो जाएगा एक ब्रोमीन इधर से ऐड हो जाएगा बस एंटी एडिशन ना एक ब्रोमीन इधर से ऐड होगा पाई बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू उल्टा हेलोजन को उल्टा जोड़ो मतलब एक ब्रोमीन नीचे से तो एक ब्रोमीन ऊपर से इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू क्या ये बात आपको समझ रहा है इसका अगर आपको नाम लिखना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 लॉन्गेस्ट चेन ये कार्बन का क्या है लॉन्गेस्ट चेन है ना लॉन्गेस्ट चेन तो जो बचा हुआ है वो क्या बच गया ये इतना बड़ा चेन क्या बच गया ब्रांच बन गया ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं तो ब्रांच में कितने एटम है ब्रांच में एक एटम है कार्बन का दो एटम है कितने एटम है दो इधर क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड टू और थ्री पे क्या है ब्रोमो और फाइव पे क्या है इथाइल अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो 2.3 डाइब्रोमो इसका नाम देखो 2.3 दो बार ब्रोमीन है तो डायब्रोमो 5 पे बचा हुआ ग्रुप है ना अल्काइल ग्रुप यानी दो कार्बन है तो इसलिए इथाइल 5 इथाइल पेरेंट चेन में कितना कार्बन है वर्ड रूट में कितना कार्बन है 7 कार्बन के लिए हैव एंड फॉर सिंगल बॉन्ड विल राइट एन इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं ये जो रिएक्शन है ना इस करते क्यों है रिएक्शन ये रिएक्शन हम लोग बेसिकली हम लोग करते हैं डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन अनसेचुरेशन कैसे देखो ये ब्रोमीन है ना ब्रोमीन के पास एक कलर होता है ब्राउनिश येल्लो समझो येल्लो कलर होता है तो ब्रोमीन को जब आप किसी कंपाउंड में सिंपल सा एक बार बोलता हूं किसी ने मुझे एक कंपाउंड ला के दिया और पूछा कि ये अनसेचुरेटेड है या सेचुरेटेड है कंपाउंड लाके दिया और पूछा whether the given compound is saturated or unsaturated आप क्या करने का ब्रोमीन वाटर लेने का क्या करने का ब्रोमीन लेने का और ब्रोमीन को उसमें डाल देने का ब्रोमीन का कलर येलो होता है जब आपने ब्रोमीन को डाला और आपको पता चला कि ब्रोमीन का येलो कलर धीरे धीरे कलरलेस हो रहा है मतलब उसका कलर डिसअपियर हो रहा है तो जब कलरलेस हो जाएगा मतलब ब्रोमीन ने कहीं ना कहीं रिएक्ट किया तो ब्रोमीन ने किससे रिएक्ट किया पाई बॉन्ड से तो अगर ब्रोमीन का कलर गायब हो गया येलो कलर से कलरलेस हो गया इस कंपाउंड के अंदर आपने ब्रोमीन डाला ब्रोमीन डालने के बाद ब्रोमीन का कलर गायब हो गया या तो ब्रोमीन के अंदर आपने थोड़ा सा कंपाउंड डाला और ब्रोमीन का कलर गायब हो गया मतलब द गिवन कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड उसके अंदर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है द गिवन कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड और अगर कलर गायब नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड इज सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाला है सिंगल बॉन्ड अल्केन जल्दी रिएक्ट नहीं करते इसलिए ब्रोमीन का कलर गायब नहीं होगा लेकिन इधर कौन सा पाई बॉन्ड में क्या होता है पाई बॉन्ड वीक होता है ये जल्दी रिएक्ट करते हैं इसलिए ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन का कलर गायब हो जाएगा तो ये जो टेस्ट है डिटेक्शन ऑफ अनसेचुरेशन चलो आपको भी पता है ये सबसे पहला क्या होता है साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनता है इधर पता है कि नहीं और अगर साइक्लोब्रोमोनियम आयन बनाना भी नहीं चाहते आप तो आपको पता है ना एक ऊपर से आएगा एक नीचे से आएगा एक ब्रोमीन ऊपर से आएगा और एक ब्रोमीन कहां से आएगा नीचे से आएगा क्या ये बात आप समझ रहे हो एक ब्रोमीन ऊपर से एक ब्रोमीन नीचे से ध्यान से देखो दिस इज व्हाट साइक्लोब्रोमोनियम आयन और दूसरा ब्रोमीन क्या होगा इधर से अटैक करेगा ध्यान से देखना क्या होगा एक ब्रोमीन प्लेन के ऊपर है वेज मतलब प्लेन के ऊपर और एक ब्रोमीन प्लेन के नीचे है एक ब्रोमीन प्लेन के ऊपर है एक ब्रोमीन प्लेन के नीचे देखो ध्यान से देखना तो देखो ये एक स्ट्रक्चर है
ये सिक्स मेंबर रिंग है, दिस इज सिक्स मेंबर रिंग, ये ब्रोमीन है और ये दूसरा ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये दूसरा ब्रोमीन, ये ब्रोमीन प्लेन के बाहर आ रहा है मतलब वो वेज पे है, ये ब्रोमीन अंदर जा रहा है इसलिए इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया है। वेज मतलब क्या, कोई भी चीज ऊपर आता है, डैश मतलब क्या, कोई भी चीज अंदर जा रहा है, तो ये वेज एंड डैश है, ये वेज एंड डैश है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आप इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है कि नहीं है? देखो ये काइरल एटम है, क्योंकि इसको ध्यान से देखोगे इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ और एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड कुछ नहीं है मतलब हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देखना, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, और ये वाला बॉन्ड किसके साथ बना है, CH2 के साथ ना, CH2, जबकि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रोमीन है, कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, CHBr के साथ। ध्यान से देखना, इस कार्बन को एक बॉन्ड CH2 के साथ बनाया, एक बॉन्ड CHBr के साथ बनाया, और एक बॉन्ड H के साथ, एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, मतलब ऑल दी वैलेंसीज आर डिफरेंट, तो दैट्स व्हाई दिस कार्बन इज काइरल कार्बन एटम, ये भी काइरल है। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? देखो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में कट करने का ट्राई करो, कर पाओगे? कट करने का ट्राई करो, ऐसे ऐसे कट करने का ट्राई करो। क्या इस ब्रोमीन के सामने ब्रोमीन आ रहा है? नहीं। इस ब्रोमीन के सामने इस ब्रोमीन आ रहा है? नहीं। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, काइरल एटम भी है, दिख रहा है काइरल एटम भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब ये इसका डी फॉर्म है तो उसका एल फॉर्म भी होगा, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज बना सकते हो कि नहीं आप? मिरर इमेज क्या होगा इसका? ऐसा होगा। अब इसको इसके ऊपर रखने का ट्राई करो, ऐसे ही उठा के इसके ऊपर रखने का ट्राई करो, क्या ओवरलैप करेगा? नहीं करेगा। नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज है। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो रिंग कवर कर जाएगा, लेकिन इधर से एक ब्रोमीन इधर बाहर निकलेगा और एक ब्रोमीन पीछे की तरफ जाएगा, तो नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज, नॉन सिमी है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें दो, तो ये डी है तो ये क्या हो जाएगा? एल। नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज है एक दूसरे के, और ऐसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव, व्हाई? बिकॉज इसके अंदर काइरल भी है और कोई सिमेट्री भी नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड और उसके मिरर इमेज अगर एक दूसरे को नॉन सुपर इंपॉसिबल करे, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनांशियोमर्स, अभी डिस्कस किया था एनांशियोमर्स। इज दिस क्लियर? सो दीज आर एनांशियोमर। क्या आपको समझा कि कैसे हेलोजिनेशन के ऊपर रिएक्शन बनते हैं? सिन एडिशन, एंटी एडिशन, वापस आपको वो चीज मैं बता दे रहा हूं, सिस में, इसमें सीन एडिशन करो, सॉरी सीन तो होता ही नहीं, इसमें एंटाई होता है, हैलोजिनेशन में क्या होता है? एंटाई होता है, तो सिस में एंटाई एडिशन करोगे तो आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा? थ्रियो। क्या मिलेगा? थ्रियो मिलेगा, थ्रियो मिलेगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, मतलब वो मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर सकते हैं। डी और एल कैसे पता चलता है? वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया एल, वही। लेकिन अगर ट्रांस में आप एंटी एडिशन करोगे, ट्रांस में एंटी एडिशन करोगे तो आपको एरिथ्रो मिलेगा। एरिथ्रो समझते हो ना, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। इज दिस क्लियर? एरिथ्रो है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, इसके पहले वाले एग्जांपल में डिस्कस किया था, बात समझ रहे हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, इसमें से लाइट जाओ डालोगे, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो सीधा पास हो जाएगा, कुछ बेंडिंग नहीं होगा लाइट में। क्या ये बात आपको समझ गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ये सब कैसे पता करते हैं? तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो। So guys, in this video we have discussed the halogenation reaction. This is the first electrophilic addition reaction. In next lecture, I will discuss the another electrophilic addition reaction like addition of HX and addition of water. तो आज इस वीडियो में बात क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया, बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस किया जो कि इस रिएक्शन से रिलेटेड था।
लाइक एनांशियोमर्स क्या होते हैं, अगर इक्वल क्वांटिटी में होगा तो ये रेजमिंग मिक्सचर बन जाएगा, इक्वल क्वांटिटी में अगर 5D है 5L है तो वो रेजमिंग मिक्सचर बन जाएगा। रेजमिंग मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। डी फॉर्म क्या होता है, एल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशंस क्या है, कायरल होना चाहिए, फिर उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो दीज आर द कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो वो सब चीज का यूज किया हम लोग ने रिएक्शन में। अगर सिस में होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ट्रांस में होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनता है। क्लियर हो गया? तो सिस में एंटी एडिशन हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ट्रांस में एंटी एडिशन हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ये जो चीज था ना ये काफी इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया? इधर भी अगर ऐड कर रहे हो तो एक वेज पे आएगा और एक डैश पे आएगा, क्योंकि एंटी एडिशन एक ऊपर से तो एक नीचे से, तो इस बात का ध्यान आपको रखना जरूरी होता है। फिर एनांशियोमर से सब डिस्कस किया एंड देन ये रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हमने डिटेल में देखा। तो जितना भी चीज मैंने पढ़ा उस चीज का प्रॉपरली प्रैक्टिस करना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला जो थोड़ा सा पार्ट हमने डिस्कस किया एक झलक देखा है, पूरा डिस्कशन तो नहीं किया, एक पर्टिकुलर चीज देखा जो कि हमको इस रिएक्शन और आने वाले रिएक्शन के लिए काफी जरूरी है, तो उसको प्रॉपरली रिवाइज करना, उसको भूलना मत। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अनदर रिएक्शन लाइक एडिशन ऑफ HX एंड एडिशन ऑफ वाटर। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन, और अगर ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।